स्त्रियां जो महिलाएं अपने पति से लड़ती हैं, झगड़ती हैं एवं पर पुरुषों पे भरोसा करती हैं, तो समझ लो उस स्त्री के नवग्रह शनि राहु केतु सब एक दूसरी जगह से चिक गए हैं। यानी ग्रहों ने उसके प्रति चाल चलना शुरू कर दी गई है, तो उसे अपने पति में खोट दिखने लगे हैं, अपने पति से बार बार झगड़ा हो जाता है और झगड़े में गलती उसको पति की ही लगती है। वो भूल जाती है कि पति बच्चों को कमाने के लिए, बच्चों के लिए दिन रात कमाने के लिए किस तरह घर से बाहर संघर्ष करता है, पति किस तरह सफर कर करके किस तरह आजीविका कमा रहा है, कोई बिजनेस में घाटा खा रहा है, कोई बाहर से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कोई ड्यूटी पे अफसर की सुन रहा है, कोई नौकरी करने जा रहा है तो नौकरी में तरह तरह की समस्या आ रही है, घर आओ तो घर में महिला तरह तरह के बहाने लेकर लड़ती हैं, झगड़ती हैं, कहीं मायके जाने की बात करती हैं, कहीं मायके से आने के लिए लेट आने के लिए बात करती हैं, कहीं इधर कहीं उधर, साथ में कहीं बच्चों को ले जाने की बात करती हैं। तो आजकल बीमारी इतनी चल रही है कि पति एक एक बात कहाँ से समझा, क्यों पति बाहर सर मांग मार के आता है, फिर अंदर घरवाली से बात आ जा, घरवाली भी ऐसे चिल्लाती है ऐसे बिल्लों की तरह, जैसे शेर भूखा बैठा है घरवाली आके चिल्लाती है, तो पतियों को गुस्सा आती है, ज़्यादा समझा नहीं पाते हैं तो कई लोग, कई पति हाथ उठा देते हैं, हालांकि हाथ उठाना भले ही गलत है लेकिन हाथ उठा दी तो पति है भाई, पति मारेगा, प्यार भी करता है, इन छोटी मोटी बातें हो जाती उसके लिए कई स्त्रियां अपने मायके तक पहुंचा देती इस तरह की बातें। अरे पति का धर्म है आपका पारण करके लाया हुआ है तो आपको प्यार भी करेगा और उसको ये भी हक है कि आपको डांटे फटकारे सही रास्ते पर चलाने के लिए, क्योंकि घर का एक मुखिया होता है, घर के मुखिया की बात मानना घर के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। अगर मुखिया शराबी है, कबाड़ी है, फिर ऊधम मचा रहा है तो स्त्री को उस समय थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति की गुस्सा ठंडी हो जाए उस समय बात करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में मनुष्य अच्छे और बुरे की सूझबूझ खो जाता है। आज हमने सुना है कई स्त्रियों को पति ने डंडा मार दिया, सर में मार दिया, कोर्ट तलाक में पहुंच गई बात, क्योंकि आजकल की स्त्रियां भी इतना मुंह चलाती हैं कि आदमी को नहीं गुस्सा आएगी तो भी आ जाएगी। स्त्रियां बराबर का हक मांगती हैं, बराबर का हक नहीं, स्त्रियों का अब हक तो बहुत ज़्यादा है, स्त्रियां तो पूजनी है, माता हैं, सब हैं, वंदनीय हैं, स्त्रियां हैं तभी तो पुरुष हैं, स्त्रियों से ही पुरुष उत्पन्न होते हैं, साधु तपस्वी मुनि प्रधानमंत्री तक स्त्रियों से ही उत्पन्न हुए हैं, तो भैया स्त्री पूजनीय है, लेकिन स्त्रियों को अपने पति में श्री हरि नारायण का बात समझना चाहिए। कई स्त्रियां सवेरे सवेरे मंदिर में घंटा बजाने चली जाएंगी, पति के ड्यूटी जाना है, कहाँ जाना है, उसको रोटी पानी कब देना है, अरे भगवान का बात पति में ही समझ लो, पति की सेवा करो, उनको टाइम पर रोटी पानी दो, आपका पति सदा चाह जाएगा। कई स्त्रियों के पति हैं व्यवचारी हो जाते, बदल जाते हैं, अब महिलाएं क्या है भूतनी कैसे बाहर कर करके फिर रही हैं, फिर बाहर वाली कोई आ गई अप्सरा बन के तो पति भटक जाते हैं, तो पति की भी गलती है कि भटकना नहीं है, लेकिन महिलाओं की भी गलती है कि पति के सामने सह सवर के अपने हिसाब से रहना चाहिए। अगर आपको उस तरह का उनसे जो व्यवहार चाहिए तो उसके लिए उसी तरह से सजना चाहिए। मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर के व्यवहार से समझ सदर के जाओ, मंदिर में जा रहे हैं तो कम सही ढह के जाओ, भगवान के हिसाब से भगवान का सजना सवरना क्या है, तिलक चंदन लगा के माथे पर ला के हृदय में सत्य को बसा के भगवान के पास में जाओ। अब कोर्ट कचहरी में अगर वकील जा रहा है तो वकील घर पे भले ही सफ़ेद शर्ट रहे लेकिन सफ़ेद शर्ट पे काला कपड़ा भी पहन लेता है तो वकील की ड्रेस हो जाती है काला कोट और सफ़ेद शर्ट, क्योंकि वो सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद करने की दम रखता है। साधु संत होते हैं सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं सत्य बोलते हैं, पीले पहनते हैं वो भगवान वासुदेव की वंदना करते हैं, लाल कहते हैं वो माता चामुंडा देवी की वंदना करते हैं। इस तरह सभी संतों की अलग अलग ड्रेसें होती है या उनका भाव रहता है, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। स्त्रियों को कुल मिला के पति की वंदना करना चाहिए, पति क्रोध में है तो अपनी जीव को दोनों हाथों से पकड़ लो, इस तरह बंद कर लो, पति से बस ऐसे हाथ जोड़ लो, हाँ भैया हमारी गलती स्वीकार कर लो, पति बाहर से आ रहा है डक्का खा के पसीना में इधर उधर खा के बाजार में बाहर का माहौल बहुत कर्रा चल रहा है, इस समय किस तरह आदमी बाहर जाके आजीविका कमा रहा है, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए किस किस मजबूरी का आदमी गुजर रहा है, और स्त्रियां आके अंदर सांप की तरह अगर फुसकार मारेंगी तो पति को भी सफेरा बनना पड़ेगा भैया। तो इन माता बहनों से यही निवेदन है कि जिनके घर में झगड़ा हो रहे हैं तो मानते हैं व्यक्ति बुरे हैं, मानते हैं आदमी बुरे हैं, मानते हैं इंसान बहुत ही बेकार होते हैं, लेकिन फिर भी माताओं को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अगर पति क्रोध में है तो क्रोध शांत होने तक कम से कम 10 घंटे वो चुप रहें, और चुप होने के बाद में रूठ रही हैं तो रूठ जाए लेकिन टाइम पर रोटी पानी पति के लिए बना दें,
क्योंकि पति भूखा रहेगा उतना देर और उसको गुस्सा आएगी, क्योंकि भूखा शेर ही शिकार करता है। रोटी पानी खिला दो तुम गुस्सा रहो, क्योंकि पति का नुकसान हो गया तो तुम्हारे भविष्य का नुकसान हो जाएगा। कोई भाई काम नहीं आएगा, कोई बहन काम नहीं आएगी, जो इधर उधर के हैं तुम्हारे छक्के छुड़ाने वाले हैं, तुम्हारी बुद्धि में केकई मंत्रा मंत्रा की तरह तुम्हारी बुद्धि को खाने वाले हैं, वो कोई काम नहीं आएंगे। जो कई कई स्त्रियां क्या करती हैं, पर पुरुषों के चक्कर में आ जाती है। पर पुरुष तो आनंद लेने के लिए कई आ जाते हैं, भवरे फूल की खुशबू पे आ जाते हैं, फूल टूट जाता है, सब भगड़े भग जाते हैं। भाई पर पुरुष होते हैं वो देखते हैं स्त्री चरित्र की ढीली है, लेकिन कहते नहीं है। चरित्रहीन स्त्रियों का कई का तलाक हो जाता है। कारण क्या है? अपने पति में कमी दिखती है, लड़ता झगड़ता, लेकिन बाहर वाला है तुम्हारे शरीर से वासना की पूर्ति करने के लिए उल्टा सूदा तेल लगाता फिरता है, कहता है तुम तो बहुत अच्छी हो, खूब बेकार है। उसको पता है उसके आनंद लेके उसके शरीर का शोषण करने के बाद में फिर कह देता बेकार, फिर महिला पछताती है। पति से लड़ाई शुरू हो जाए तो समझ लो तुम्हारे नवग्रह बिगड़ने वाले हैं, उनको सुधार लो। समय रहते ही पति के चरण वंदन करके भगवान का बात समझ के अपनी जीभ में ताला लगा लें, पति को चार बात ना सुनाएं। जो स्त्रियां पति की बात नहीं मानती हैं उनका कल्याण नहीं होता है, वो ना तो इस लोक में ना परलोक में कहीं भी आनंद नहीं पाती हैं और तरह तरह की यातनाएं उनको भोगना पड़ता है। पति तुम्हारे लिए कमाए, कई पत्नियां क्या करती हैं, चार पैसे कमाया तो इतना घमंड हो जाता है, फिर पति को बैल की तरह झाड़ू लगवाती, वो भी गलत है भैया। तुम कमा रही हो उसी पति के भाग्य, जब पति पत्नी के भाग्य से कमाता है, दोनों स्त्री और पुरुष अर्धनारेश्वर के रूप में महादेव के जो प्रकट है, ऐसे शरीर में अर्धनारेश्वर होती है। एक शरीर का हिस्सा थोड़ा सा कम होता है, एक आँख छोटी होती है, एक बड़ी होती है, ऐसे शरीर में अर्धनारेश्वर का वास होता है। तो भैया पति और पत्नी मिलके ही अर्धनारेश्वर की तरह अपना घर का संचालन करते हैं, बालक बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो पति और पत्नी में कॉम्बिनेशन बहुत ही ऐसे होना चाहिए जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, पानी मिल जाता है, फिर अलग होना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह रहो और अपने जीवन को खुश में बनाओ। घर में भगवान का नाम का जप जरूर करें, क्योंकि जो भगवान का नाम जप नहीं करता है, शराब आदि मदरा आदि का सेवन करता है, बीड़ी विंडल फूकता रहता है, उसके घर में प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है, फिर उसको तरह तरह की यातनाएँ झेलनी पड़ती हैं। और वीडियो ज़्यादा कहेंगे तो लंबी हो जाएगी। आपको जो भी कुछ क्वेश्चन है, समाधान चाहिए तो आप कमेंट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रत्येक तरह का समाधान दिया जाएगा। बोलो महाकाल बाबा की जय, जय जय श्री राधे।